बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ्री आईटी ट्रेनिंग्स और उर्दू आईटी के प्लेटफॉर्म से आपका होस्ट मोहम्मद उमर खालिद हाजिर खिदमत है। अच्छा दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जीपीओ, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ग्रुप पॉलिसी क्या होता है और ग्रुप पॉलिसी हम लोगों के लिए कैसे हेल्पफुल है डोमेन एनवायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए। हम लोग सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, एक्टिव डायरेक्टरी हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट्स मैनेजमेंट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यूजर ग्रुप और कंप्यूटर अकाउंट कैसे क्रिएट किए जाते हैं एडी के अंदर। तो आज ये है कि जो जिस मशीन को हम लोगों ने डोमेन ज्वाइन करवाई थी, विंडोज 10 की मशीन को, उसको अब हम लोगों ने सर्वर से बैठ के कंट्रोल करना। अब हम उसको कैसे सर्वर से बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं और किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। जो हमारा ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल का जो ओवरव्यू होगा उसके अंदर एक ग्रुप पॉलिसी का इंट्रोडक्शन को हम लोग देखेंगे और ग्रुप पॉलिसी को जो है इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, ग्रुप पॉलिसी का स्कोप क्या होता है, पॉलिसी प्रोसेस कैसे करती है और उसको पॉलिसी को ट्रबल शूट कैसे करते हैं। अच्छा, ग्रुप पॉलिसी के अंदर के अप्लाई करने के लिए जो है ना कौन कौन से टूल्स जो है हम लोगों के पास यूज होते हैं, इसका बेनिफिट क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये चीजें जो है ना हम लोग देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज अ सेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू अप्लाइंग वन और मोर चेंजेस टू मोर देन वन यूजर और कंप्यूटर। कि आपने एक या एक से ज्यादा आपने यूजर और कंप्यूटर के ऊपर आपने कुछ चेंजेस आपने अप्लाई करनी है, तो एक सूरत तो ये है कि आप लोग वन बाई वन जो है वो हर सर्वर के ऊपर जाके, हर क्लाइंट मशीन के ऊपर जाके करो। दूसरी सूरत ये है कि ये आप लोग सर्वर साइड से बैठे हुए रिमोटली जो भी आपके डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो आप जो है वो पुश कर दो। जो कुछ भी आप अचीव करना चाह रहे हो उसमें किसी किस्म की कोई सेटिंग्स हो सकती हैं। सेटिंग्स से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर आप लोगों के एनवायरमेंट में इंटरनेट जो है ना वो प्रॉक्सी के जरिए से चलता है, तो जब तक इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर आप जाके प्रॉक्सी की सेटिंग नहीं देते तो इंटरनेट नहीं चलता। अब सपोज अगर एक यूनिवर्सिटी का सिनेरियो है और लैब के अंदर 50 कंप्यूटर हैं, अब वो स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारे पास नेट नहीं चल रहा, तो आप सारे स्टूडेंट्स को ये कहोगे कि बेटा अपने अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर की या मोजिला फायरफॉक्स की या जो भी ब्राउजर वो यूज कर रहे हैं सफारी, उसकी आप सेटिंग्स में जाओ और जाके जो है आप ये प्रॉक्सी एड्रेस आप पुट करो और देन उसके बाद नेट चलेगा। दूसरी सूरत ये है कि आप सर्वर से बैठे बैठे ये प्रॉक्सी की सेटिंग्स जो है ना आप पुश कर दें। अच्छा, स्कोप से क्या मुराद है? स्कोप से मुराद ये है, अब ये कह रहे हैं कि द की एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट आर सेटिंग्स, स्कोप एंड एप्लीकेशन। कि सबसे पहले कि ये सेटिंग है, मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, सेटिंग इसके अलावा कुछ और भी हो सकती है। सेटिंग के अंदर आप लोगों के प्रिविलेजेस भी हो सकते हैं, सेटिंग के अंदर आप लोगों के रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है कि आप यूजर्स को कोई किसी किस्म की लिबर्टी देना चाह रहे हैं, कोई आप राइट्स देना चाह रहे हैं या आप उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं, आप उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अच्छा, स्कोप जो है ना, स्कोप के आप लोग जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट आप करने जा रहे हो इसका स्कोप क्या होगा, ये क्या किसी स्पेसिफिक एक कंप्यूटर के लिए हो या किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए हो या आप लोगों के ये किसी स्पेसिफिक एक ओयू के लिए हो या पूरी एक्टिव डायरेक्टरी की साइट के लिए हो या पूरे का पूरे डोमेन के लिए हो। अब सपोज आपका यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा की हम एग्जांपल लेते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के अंदर जो है 26 डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है सपोज उनकी अपनी अपनी कंप्यूटर लैब है। अब जो सीएसआईटी डिपार्टमेंट है, सीएसआईटी डिपार्टमेंट के अंदर 10 कंप्यूटर लैब्स हैं। अब आप लोगों ने जो ग्रुप पॉलिसी लगानी है वो क्या आपने पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के लिए लगानी है जो कि 26 के 26 डिपार्टमेंट में इंप्लीमेंट हो, या वो आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस आईटी डिपार्टमेंट के ऊपर आप लोग लगाना चाह रहे हैं? ठीक है। अच्छा, फिर इसकी आपकी एप्लीकेशन इसकी आपकी किस तरीके से होगी? तो ये जो आप लोग कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करने जा रहे हो इसको आप लोगों ने इसको अप्लाई किस तरीके से करना है? ये जो आप लोगों का इंटरफेस नजर आ रहा है, बेसिकली ये इंटरफेस है आप लोगों का ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल का। कि यहाँ पे आप लोगों को जो है वो ग्रुप पॉलिसी का जो है वो एक ओवरव्यू दिखा रहा है। ये लेफ्ट साइड पे जो है ये बेसिकली है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल, और जो राइट साइड पे जो आप लोगों का नजर आ रहा है ये बेसिकली है ग्रुप पॉलिसी एडिटर। इसके अलावा दो टूल्स जो है आप बहुत ज्यादा यूज करोगे, ये आप लोग नोट कर लें, एक जीपी अपडेट और दूसरा जीपी रिजल्ट। ये बेसिकली दो कमांड लाइन यूटिलिटीज हैं, दो कमांड्स हैं, और ये इंशाल्लाह आप लोगों ने अब एमसीएसई आप कर रहे हो
या आप कोई क्लाउड की सर्टिफिकेशन कर रहे हो, या ऑन प्रेमिसेस की आप कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हो, ये आप लोगों का थ्रू आउट कैरियर के अंदर आप लोगों के काम आएंगे। प्रैक्टिकल भी आप लोगों के इसकी बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन होती है, और ऐसा हो नहीं सकता कि किसी जगह पर डोमेन एनवायरमेंट बना हुआ हो, कन्फिगर हुआ हो, और आप लोग ये कमांड जो है वहां पर फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूट ना करें। तो प्लीज ये दो कमांड जो है आप लोग नोट कर लें, जीपी अपडेट और जीपी रिजल्ट। कैसे यूज करनी है, कहाँ पे यूज करनी है, अभी आपको मैं थोड़ी देर के अंदर बताता हूँ। अच्छा, अब वो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन का क्या रह गया, अभी हम लोग एक डिमॉन्स्ट्रेशन कर लेते हैं कि ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल को हम लोग देखते हैं, और फिर हम लोग एक ग्रुप पॉलिसी हम लोग बनाते हैं, और फिर उसके कुछ सेटिंग्स को हम लोग जो है ना वो कन्फिगर करते हैं, और उसके बाद जो है ना हम लोग पॉलिसी को परफॉर्म करके रिफ्रेश करते हैं, और उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं, एग्जामिन करते हैं कि जो चेंजेस हम लोगों ने की हैं क्या वो अप्लाई हुई हैं या नहीं हुई। अच्छा, उस उधर जाने से पहले आपको जल्दी से इसका एक ब्रीफली आप लोगों को जो ना बेनिफिट में आप लोगों को बता दूं कि ग्रुप पॉलिसी इज वेरी पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव टूल। यू कैन यूज इट टू एनफोर्स वेरियस टाइप ऑफ सेटिंग टू ए लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स एंड कंप्यूटर। क्या अगर आपके पास बहुत ज्यादा यूजर्स है, बहुत ज्यादा कंप्यूटर है, कि रादर देन एक एक कंप्यूटर की, एक एक यूजर की आप जाके सेटिंग्स को टच करो, आप लोग रिमोटली सर्वर से बैठे हुए किसी भी किस्म की कोई सेटिंग्स जो है आप वो डोमेन एनवायरनमेंट में पुश कर सकते हो। टिपिकली यू यूज GPO टू अप्लाई सिक्योरिटी सेटिंग्स, कि आपने किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी सेटिंग्स को आप लोगों ने अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पे आप लोग जो है ना सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर ये करना चाह रहे हो कि कोई भी बंदा जो है ना किसी भी कंप्यूटर की रजिस्ट्री को एक्सेस ना करे, भले वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर क्यों ना हो, लेकिन वो रजिस्ट्री को खोल ही ना सके, क्योंकि रजिस्ट्री के जरिए से आप ऑपरेटिंग सिस्टम को करप्ट भी कर सकते हो, क्रैश भी कर सकते हो। तो रजिस्ट्री एक ऐसी जगह है, या फिर मिसाल के तौर पे किसी यूजर के पास अगर एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं, तो वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होने की वजह से जो एंटीवायरस को डिसेबल कर देता। आप ग्रुप पॉलिसी के जरिए से इस किस्म की सेटिंग्स को आप पुश कर सकते हो कि कोई एंटीवायरस को डिसेबल ही ना कर सके, या कोई एक स्पेसिफिक सर्विस चल रही है जो आप लोगों के रन टाइम के ऊपर मालवेयर को, स्पैम्स को स्कैन कर रही है, तो आप ये चाहते हो कि इस पॉलिसी को आपने एनफोर्स करना है, तो बजाय कि कंप्यूटर पे जाके सेटिंग्स करने के, आप जो है सर्वर से बैठे हुए रिमोटली पुश कर सकते हो। मैनेज डेस्कटॉप एप्लीकेशन सेटिंग्स, कि आपने डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की आप लोगों ने सेटिंग करनी है। अब वो मिसाल के तौर पे आप लोगों ने जो है कस्टमाइजेशन करनी है किसी भी चीज की, कि कुछ जो है ना टूल्स यूजर्स को आपने अलाउ करने हैं, कुछ टूल्स को आप लोगों ने जो है वो ब्लॉक करना है। तो ये कस्टमाइजेशन जो है डेस्कटॉप की जो सेटिंग्स वगैरह है, डेस्कटॉप सेटिंग के अंदर ये है कि मिसाल के तौर पर कंपनी की पॉलिसी ये है कि जो भी, अगर फॉर एग्जाम्पल एक आप लोगों की कंपनी जो है ना वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो जो उनका नया कार का मॉडल आया वो हर यूजर के डेस्कटॉप पे, लैपटॉप के ऊपर वही वॉलपेपर लगा हुआ। अब आप ये चाह रहे हो कि कुछ स्पेसिफिक आइकन जो है ना फोर्सफुली हर एक डेस्कटॉप के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हो, तो इस तरह की आपने डेस्कटॉप की आप लोगों ने जो एप्लीकेशन की सेटिंग करनी है वो ग्रुप पॉलिसी के जरिए आप कर सकते हो आसानी। डिप्लॉय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मिसाल के तौर पे आप लोगों ने एक नया कम्युनिकेशन टूल इंट्रोड्यूस करवाया वेबएक्स के नाम से, सिस्को वेबएक्स टीम्स के नाम से, या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के नाम से, वो आपने सारे के सारे विंडोज 10 क्लाइंट के ऊपर आपने इंस्टॉल करना। एक सूरत तो ये है कि आप लोग मैनुअली जाके इंस्टॉल करोगे, दूसरी सूरत ये है कि आप लोग ग्रुप पॉलिसी के जरिए से पुश कर दो। मैनेज फोल्डर रीडायरेक्शन, अच्छा फोल्डर रीडायरेक्शन से क्या मुराद है, कि बाई डिफॉल्ट आप लोगों के जो जो डॉक्यूमेंट का फोल्डर है, माई पिक्चर का फोल्डर है, या वीडियोस का आप लोगों का फोल्डर होता है, या डाउनलोड्स का फोल्डर होता है, ये आप लोगों के सी ड्राइव के ऊपर बनता है। आप ये चाह रहे हो कि जो यूजर के प्रोफाइल से रिलेटेड चीजें हैं, कि डॉक्यूमेंट का फोल्डर, या पिक्चर्स का फोल्डर, या वीडियोस का डाउनलोड का फोल्डर, या फेवरेट्स का फोल्डर, या सी की बजाय उसको आपने डी पे आपने मूव करना है, रीडायरेक्ट करवाना है, तो वो आप वहां पे करवा सकते हो। कॉन्फिगर नेटवर्क सेटिंग्स, कि आप लोगों ने कुछ नेटवर्क सेटिंग्स को आप लोगों ने पुश करना है, कि आप लोगों ने आईपी एड्रेस आप लोगों ने स्टैटिक करवाना है, या आप लोगों ने आईपी एड्रेस जो है वो किसी एक पर्टिकुलर डीएससीपी जरिए, सर्वर के जरिए से आपने दिलवाना है, या फॉर एग्जांपल मल्टीपल एक्सेस पॉइंट आप लोगों के लगे हुए यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, आप जो है कुछ स्पेसिफिक जो है ना एक्सेस पॉइंट्स को आप हाइड करना चाह रहे हो, और स्टूडेंट्स को आप लोग फोर्सफुली रिडायरेक्ट करना चाह रहे हो कि एक पर्टिकुलर एक्सेस पॉइंट से ही वो कनेक्ट हो, मतलब नेटवर्क से रिलेटेड आपने किसी किस्म की कॉन्फिगरेशन करनी है। तो ये सारे के सारे काम हम लोग जो है ना आसानी ग्रुप पॉलिसी के जरिए से कर सकते हैं। तो आए चलते हैं, देखते हैं आपके ग्रुप पॉलिसी के ऊपर। सबसे पहले जो मैं आऊंगा विंडोज सर्वर के ऊपर, मेरे पास विंडोज सर्वर की एक मशीन, विंडोज 2022 सर्वर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है, तो मैं विंडोज सर्वर 2022 के ऊपर आया, और यहाँ से मैं एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर आया। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर यहाँ पे मेरे पास एक स्नैपिन है
ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा। इसको जीपीएमसी भी कहते हैं और इसको ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल भी कहते हैं इसको, ठीक है। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल आप लोग जब खोलोगे तो आप लोगों को ऐसे नजर आ रहा होगा। आप लोग एरो पे क्लिक करोगे, सबसे पहले आप लोगों के फॉरेस्ट दिखा रहा है, देन उसके बाद आप लोगों की जितने भी डोमेन्स होंगे वो आपके डोमेन्स दिखा रहा होगा। और फिर अगर आपकी एक्टिव डायरेक्टरी की साइट बनी होगी, अब हमारे केस के अंदर कोई साइट वगैरह नहीं बनी हुई, और देन फिर उसके बाद जो है ये जो येलो कलर के दिखा रहा है बेसिकली ये आप लोगों को जो फोल्डर नुमा चीजें दिखा रहा है, ये आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स हैं, ये आपके ओयूज हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप पॉलिसी जो है आप लोगों ने लगानी कैसे है, या आप लोगों ने अप्लाई कैसे आपने करनी है, बनानी कैसे है, कि ये बिल्कुल हम लोग स्क्रैच से जो ना आज ये चीज सीखने जा रहे हैं। अच्छा, जब आप ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल खोलोगे तो बाय डिफॉल्ट ये जो जीपीओ वाला जो कंटेनर है, बेसिकली ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपकी सारी की सारी ग्रुप पॉलिसीज आकर स्टोर होती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो है ना ये दो पॉलिसीज आप लोगों की बनी होती है, एक डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी और एक डोमेन पॉलिसी। कि जब भी कोई आप लोग डोमेन एनवायरमेंट आप लोग कन्फिगर करते हो ना, जब भी कोई आप लोग डोमेन एनवायरमेंट बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट आप लोगों की एक डोमेन पॉलिसी आप लोगों की बन जाती है। अच्छा, और डोमेन पॉलिसी का मतलब ये है कि जितनी भी मशीनें जो है आप लोगों के डोमेन ज्वाइन करेंगी उन सबके ऊपर ये बाय डिफॉल्ट आप लोगों की अप्लाई होती है। अच्छा, और स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये होती है कि आप लोगों ने कोई भी पॉलिसी अपने एनवायरमेंट में लगानी है तो आप खुद से क्रिएट करो, कस्टम पॉलिसी क्रिएट करो, कभी भी डिफॉल्ट पॉलिसी को आप ना छेड़ो, क्योंकि डिफॉल्ट पॉलिसी जो है इसका स्कोप एक वाइडर है। और ये क्या करते हैं आप आगे चल के अभी हम लोग इसके स्कोप को भी डिस्कस करेंगे कि इसका प्रेसिडेंस ऑर्डर क्या होता है, लोकल पॉलिसी की क्या अफादियत होती है, साइट पॉलिसी की क्या अफादियत होती है, डोमेन पॉलिसी क्या होती है, ओयू पॉलिसी क्या होती है, सब ओयू पॉलिसी क्या होती है, किसका प्रेसिडेंस ऑर्डर जो है वो ज्यादा होता है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, कौन सी अगर मल्टीपल पॉलिसीज हो तो कौन सी पॉलिसी अप्लाई होगी, और ये पॉलिसी इन्फोर्समेंट क्या होता है, आगे चल के सारे स्कोप के अंदर हम लोग इंशाल्लाह सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सिर्फ यहाँ पे बताने वाली चीज ये है कि जीपीओ के इस कंटेनर के अंदर बाई डिफॉल्ट दो पॉलिसीज बनी होती है, एक आप लोगों की डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी और दूसरे आप लोगों की डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी। डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी जो आप लोगों के डीसीज होंगे, डोमेन कंट्रोलर्स होंगे, अभी हमारे एनवायरमेंट में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही डोमेन कंट्रोलर है, एक ही हमारा विंडोज 2022 की जो है मशीन है, ये उसके ऊपर एक ही ये पॉलिसी लगी हुई है, और जितनी मशीन है जिन्होंने डोमेन ज्वाइन की उनके ऊपर डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, बाकी जो टेस्ट के नाम से ये लेटर ऑन जो है वो कस्टमाइज पॉलिसी किसी ने बनाई है ये, तो आप इसको डिलीट करना चाहो, मूव करना चाहो, रीनेम करना चाहो, साइन करना चाहो, जो भी कुछ भी करना चाहो वो कर सकते हैं। अच्छा, ये जो लेफ्ट साइड पे आप लोगों को नजर आ रहे हैं HEC MCSE टेस्ट, ये लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने OUs क्रिएट किए थे, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स आप लोगों ने बनाए थे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ईज करने के लिए, अपनी सहूलत के लिए, चीजों को सेग्रीगेट करने के लिए, चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स बनाते हैं। और फिर जितनी तरह जो ग्रुप पॉलिसीज है ना, ये ग्रुप पॉलिसीज हम लोग जो ना उन OUs के ऊपर अप्लाई करते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब ग्रुप पॉलिसी बनाते कैसे हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताता हूँ कि आप लोग ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आके यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और न्यू पे क्लिक करोगे। इस ग्रुप पॉलिसी का आप लोगों ने कोई नाम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम दिया मैंने टेस्ट MCSE लैब। अच्छा, ओके किया, तो ये टेस्ट MCSE लैब के नाम से एक पॉलिसी जो है वो बन गई हुई है। अब इसके अंदर सेटिंग्स क्या है, या आप इसके अंदर क्या सेटिंग करना चाह रहे हो, और कोशिश ये करें कि आप लोग पॉलिसी को जो ना कोई मीनिंगफुल किस्म के नाम दें, ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये पॉलिसी किस मकसद के लिए हम लोगों ने बनाई है। अभी जो है ना ये लैब करवाने के बाद, प्रैक्टिकल करवाने के बाद, मैं आप लोगों को प्रोडक्शन एनवायरमेंट भी दिखाऊंगा, वहां पे भी लेके जाऊंगा और वहां पे भी दिखाऊंगा कि ग्रुप पॉलिसी जो है वो प्रोडक्शन एनवायरमेंट किस तरह से लगी होती है, और क्या उनकी नेमिंग कन्वेंशन होती है, और किस तरीके से वो प्रोडक्शन एनवायरमेंट में काम कर रही होती है। अच्छा, टेस्ट MCSE लैब के नाम से मैंने एक जो पॉलिसी बनाई है, इस पॉलिसी को मैंने राइट क्लिक किया और मैंने उसको एडिट किया। जब मैंने ग्रुप पॉलिसी को राइट क्लिक करके एडिट किया तो यहाँ पे दो तरह के आप लोगों के लेफ्ट साइड पर सेक्शन नजर आ रहे हैं, एक आप लोगों को नजर आ रहा है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन का और दूसरा आप लोगों को नजर आ रहा है यूजर कॉन्फ़िगरेशन का। अच्छा, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जो चीज भी आप लोग अप्लाई करोगे तो जिस कंप्यूटर के ऊपर वो पॉलिसी लगेगी उस कंप्यूटर के ऊपर भले जो मर्जी लॉग इन करे, भले एडमिनिस्ट्रेटर्स पे लॉग इन करे, नॉर्मल यूजर्स पे लॉग इन करे, पावर यूजर करे, गेस्ट करे, वो सारे के सारे यूजर्स जो है ना वो इससे इफेक्ट होंगे। अगर हम लोग ये चाह रहे हैं कि पूरे कंप्यूटर के ऊपर पॉलिसी नहीं लगानी, सिर्फ यूजर स्पेसिफिक सेटिंग्स को हम लोगों ने टच करना है, मिसाल के तौर पर हमारे यूनिवर्सिटी का एक सिनेरियो है, यूनिवर्सिटी के सिनेरियो के अंदर एक फैकल्टी मेंबर्स का हम लोगों के पास ग्रुप है और एक हम लोगों के पास स्टूडेंट्स का ग्रुप है।
तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट का ग्रुप है ना, स्टूडेंट के ग्रुप के ऊपर जो है सिर्फ यूजर जो मेरे स्टूडेंट होंगे उन स्टूडेंट के ऊपर ये जो है ना पॉलिसी लगे। तो सबसे पहले तो ये होगा कि मैं अपनी सेग्रीगेशन करने के लिए क्या करूंगा कि फैकल्टी का या स्टाफ का अलग से ओयू बनाऊंगा और स्टूडेंट का एक अलग से ओयू बनाऊंगा, और जो स्टूडेंट का ओयू होगा उसके ऊपर पॉलिसी अप्लाई करूंगा। अच्छा, अभी इस पॉलिसी के हम लोग जो है ना कुछ कॉम्पोनेंट्स को देखते हैं। ये कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और दूसरे यूजर कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग आगे जी यूजर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और यूजर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आगे हम लोग पॉलिसीज के अंदर आगे। अच्छा, मिसाल के तौर पर रिक्वायरमेंट ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि हमारे विंडोज एक्सप्लोरर के अंदर से जो है ना कोई भी यूजर, कोई भी स्टूडेंट जो है ना सी ड्राइव के ऊपर या डी ड्राइव के ऊपर डेटा सेव ना करे। स्टूडेंट्स को बाहर हा कह चुके हैं लेकिन वो सी ड्राइव पर डी ड्राइव पर डेटा सेव कर देते हैं और उसके बाद जो है वो ड्राइव फुल हो जाती है और फिर जो है कंप्यूटर जो है वो स्लो हो जाता है या प्रॉब्लम करना शुरू हो जाता है। अब मैनेजमेंट ने ये कहा बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको कि भाई आप ऐसे करो कि सी ड्राइव को और डी ड्राइव को और इवन के फ्लॉपी ड्राइव को, ए और बी को, इन सब ड्राइव्स को जो है ना, चार ड्राइव ए बी सी डी, इनको आप हाइड कर दो। कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट जो अपनी मशीन पर लॉग इन करेगा तो उसे ये ड्राइव्स नजर ही ना आए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यूजर कॉन्फ़िगरेशन में आया, पॉलिसीज में आया, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आज के इस लेक्चर में आप लोगों को सारी के सारे टैब्स को वन बाई वन एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि इसमें मोर देन 5000 सेटिंग्स हैं। मकसद ये है कि आप लोगों को एक आइडिया देना कि किस तरीके से हम लोग डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर अपने क्लाइंट कंप्यूटर्स को या मेंबर सर्वर्स को या यूजर्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर आने के बाद मैं आ गया विंडोज कंपोनेंट्स के अंदर, और विंडोज कंपोनेंट्स के बाद यहाँ से मैं आ गया आपके फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर के अंदर आया तो मैंने यहाँ पे फिलहाल जो है स्टैंडर्ड पे क्लिक किया था कि सेंटर में आ जाए और आप लोगों को पूरा विजिबल हो जाए, नजर आ जाए। अच्छा, इसको मैंने अरेंज कर लिया बाई नेम के अल्फाबेटिकली। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हाइड दी स्पेसिफाइड ड्राइव इन माई कंप्यूटर। मैंने जब इसमें डबल क्लिक किया तो बाई डिफॉल्ट जितनी पॉलिसीज होती हैं आप लोगों के नॉट कन्फिगर स्टेटस पे होती हैं, तो इसको मैंने यहाँ से अनेबल किया। अच्छा, अब यहाँ पे एक थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल चीज है जो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है कि मैं जिस रिस्ट्रिक्शन को अनेबल करूंगा तो वो फंक्शनैलिटी डिसेबल हो जाएगी। मतलब मैं जिस चीज को अनेबल करूंगा वो चीज काम करना छोड़ देगी। ये थोड़ा सा टेक्निकल जो है ना वो है, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। अभी देखें यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है क्या, सख्ती है क्या, पाबंदी क्या है। हाइड दी स्पेसिफाइड ड्राइव इन माई कंप्यूटर, कि मेरे कंप्यूटर के अंदर से इन ड्राइव्स को, इन मखसूस ड्राइव्स को हाइड कर दो। अगर मैं इस पॉलिसी को अनेबल करूंगा तो ये पॉलिसी काम करना शुरू करेगी। अब वो पूछ रहा है कि हाइड किसको करना है, रिस्ट्रिक्ट ऑल ड्राइव, रिस्ट्रिक्ट ए एंड बी, रिस्ट्रिक्ट सी ड्राइव, रिस्ट्रिक्ट सी डी ड्राइव। मैंने कहा नहीं, इस तरह करो, रिस्ट्रिक्ट करो ए बी सी डी, ए बी और सी डी। आप ये जो है ना चार ड्राइव जो है ये हाइड कर दो। इनको मैंने सेलेक्ट किया, अप्लाई किया, ओके किया। पहला स्टेप हम लोगों ने क्या किया, ग्रुप पॉलिसी क्रिएट की जीपीओ के अंदर जाके, उसको हम लोगों ने नाम दिया। देन उसके बाद मैंने उसको एडिट किया, एडिट करने के बाद जो भी उसके अंदर को मैंने सेटिंग्स करनी थी वो मैंने सेटिंग कर दी। अच्छा, अब उसके बाद ये पॉलिसी लगानी कहाँ पर है, हमारे पास जो है एमसीएसई का एक ओयू बना हुआ है। मैं ये चाह रहा हूँ एमसीएसई के उस ओयू के अंदर हम लोगों ने टेस्ट यूजर क्रिएट किए थे अदनान उमर के नाम से और असद अब्बास के नाम से। मैं चाह रहा हूँ कि ये दो बच्चों के अकाउंट जो इन स्टूडेंट्स के अकाउंट एमसीएसई के अंदर है, तो ये जब लॉग इन करें विंडोज 10 की मशीन के अंदर तो इनको जो है ना ए बी सी डी ड्राइव नजर ना आए। तो अब मैंने इस ओयू के साथ जो है ना ये पॉलिसी मैंने अटैच करनी है, लगानी है। इस ओयू के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, मैं राइट क्लिक करके लिंक एन एग्जिस्टिंग जीपीओ, ये क्या करूंगा यहाँ से मैं लिंक एन एग्जिस्टिंग जीपीओ, और जो मेरी जीपीओ होगी, अभी मैंने जीपीओ बनाई टेस्ट एमसीएसई लैब, इस जीपीओ को मैंने इसके साथ लिंक किया। ठीक है, अब ये देखें एमसीएसई वाले ओयू के साथ जो है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक पॉलिसी नजर आ रही है यहाँ। ठीक है, अच्छा ये क्या चीज है, ब्लॉक इनहेरिटेंस क्या चीज है और जो है एनफोर्समेंट क्या चीज है। जब मैंने पॉलिसी को लिंक किया तो लिंक करने के बाद जो है ये देखें यहाँ पे एक चीज आ रही है एनफोर्स, और यहाँ पे अगर आप सर इस पे ओयू पे क्लिक करो तो यहाँ पे ब्लॉक इनहेरिटेंस। ब्लॉक इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि अगर इस ओयू के ऊपर कोई इसके पेरेंट ओयू से कोई पॉलिसी आ रही है तो उस पॉलिसी को ब्लॉक कर दो। मतलब मिसाल के तौर पे मैंने आप लोगों को बताया था ना जब एंटीफस परमिशंस को हमने डिस्कस किया था कि बाय डिफॉल्ट हर चाइल्ड फोल्डर जो है ना अपने पेरेंट फोल्डर की परमिशंस को इनहेरिट करता है, इसी तरीके से हर ओयू, हर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट की पॉलिसी को इनहेरिट करता है। तो अगर आपके कोई
डोमेन लेवल के ऊपर कोई पॉलिसी लगी हुई है, आप लोग उसकी इनहेरिटेंस को ब्लॉक करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ से ब्लॉक इनहेरिटेंस कर सकते हो। खैर अभी इस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा इन्फोर्समेंट क्या चीज है? इन्फोर्समेंट जो है ना, इन्फोर्स अगर आप करोगे ना, तो ये इन्फोर्स वाली कंडीशन जो है ना, जो पॉलिसी इनहेरिटेंस को अगर किसी ने ब्लॉक भी किया हो ना, तो उसको भी ओवरराइड कर देता है। मिसाल के तौर पे एक ओजो के ऊपर जो है ना पॉलिसी लगाई किसी ने एडमिनिस्ट्रेटर ने, और एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि जी बाईपास प्रॉक्सी, उसने ये पॉलिसी लगा दी। अब किसी एक स्पेसिफिक ओजो पे, मिसाल के तौर पे आपके यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना आईटी का जो स्टाफ है उसके अंदर 10 लोग हैं, उस 10 के अंदर से जो है ना 3-4 लोग जो है ना वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है। अब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना अपने ही सहूलत के लिए जो है ना उन्होंने क्या किया हुआ है कि प्रॉक्सी बाईपास उन्होंने की हुई है, और उन्होंने प्रॉक्सी बाईपास की एक पॉलिसी लगाई है। अब यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट बार हाँ कह चुकी है कि जी प्रॉक्सी को बाईपास ना करें, प्रॉक्सी को यूज करके आप लोग नेट किया यूज करें। प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट क्या है कि बेसिकली प्रॉक्सी के जरिए से जब आपका इंटरनेट चलता है ना, तो आपकी प्रॉपर एक लॉगिंग होती है, आपका पूरा एक जो है ना मॉनिटरिंग सिस्टम होता है कि आपका एक लॉग जनरेट होता है, कौन कौन बंदा जो है ना क्या क्या चीज ब्राउज कर रहा है और किस किस चीज को किस किस रिसोर्स को यूआरएल को एक्सेस कर रहा है। अच्छा उन 4 एडमिनिस्ट्रेटर्स ने, 3 एडमिनिस्ट्रेटर ने अपना एक एडमिन को ओयू बना के उसके ऊपर उन्होंने पॉलिसी एक लगा दी है कि जी प्रॉक्सी को बाईपास कर दें। अब मैनेजमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन आई है, आप जो है ना एज एन आईटी डायरेक्टर काम कर रहे हो या आईटी मैनेजर काम कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, डोमेन लेवल के ऊपर आके आप एक पॉलिसी लगाओगे और उस पॉलिसी को आप इन्फोर्स कर दोगे। जब इन्फोर्स करोगे आप उस पॉलिसी को, तो वो अंदर जितने भी आपके जो सब पॉलिसीज होंगे वो सबको जो है ना ओवरराइड कर देगी आपके। खैर मैं अभी आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता, ये आगे चल के इंशाल्लाह हम लोग डिटेल से सर्च एंड डिस्कस करेंगे। अभी तक मैंने सिर्फ 3 काम किए। सबसे पहले ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के अंदर आके मैंने एक न्यू पॉलिसी बनाई टेस्ट एमसीएस ई लैब के नाम से, फिर उसके बाद उसको एडिट किया। पॉलिसी को एडिट करने के बाद मैंने आपको बताया 2 तरह की सेटिंग्स होती है, कंप्यूटर से रिलेटेड या यूजर से रिलेटेड। हम लोग यूजर रिलेटेड सेटिंग्स के अंदर आए, पॉलिसीज के अंदर आए, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स के अंदर आए। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट के बाद जो है यहाँ से विंडोज कंपोनेंट्स के अंदर आए, विंडोज कंपोनेंट्स के अंदर आके फाइल एक्सप्लोरर पे आए, और फाइल एक्सप्लोरर पे आगे यहाँ पे मैंने इसको कहा कि हाइड दी स्पेसिफाइड ड्राइव इन माय कंप्यूटर, उसमें ए बी सी डी ये 4 ड्राइव्स मैंने सिलेक्ट कर ली, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारा एमसीएसई का जो ओयू था, जो हमारा एमसीएसई का ओयू है, इस एमसीएसई के ओयू के साथ जो है लिंक एन एग्जिस्टिंग जीपीओ पे क्लिक किया और इस पॉलिसी को मैंने लिंक कर दिया। ये टोटल मैंने 3 स्टेप अभी तक परफॉर्म किए हैं। अच्छा अब हम लोग चलते हैं अपने क्लाइंट मशीन पे, और क्लाइंट मशीन पे हम लोग जो है जाके देखते हैं कि क्या ये पॉलिसी अप्लाई हुई या नहीं हुई। मैं विंडोज 10 की मशीन पे आ जाता हूँ, विंडोज 10 की मशीन पे मैं इसको जो है ना दोबारा कनेक्ट करता हूँ ताकि आप लोगों को फुल स्क्रीन जो है नजर आ जाए सबको। राइट क्लिक किया, कनेक्ट पे क्लिक किया, और यहाँ से मैंने इसको फुल स्क्रीन कर दिया। यूजर असद अब्बास, असद अब्बास के अकाउंट से मैंने लॉगिन किया। असद अब्बास के अकाउंट से लॉगिन किया, माय कंप्यूटर के अंदर आए हम लोग, माय कंप्यूटर के अंदर आ गए, दिस पीसी पे आ गए हम लोगों ने देखा। ये देखें जी अभी ये सारी की सारी ड्राइव्स नजर आ रही। अच्छा आप कहोगे हम लोगों ने तो पॉलिसी लगा दी लेकिन ड्राइव हाइड नहीं हुई। एक्चुअली ये सिस्टम ऑलरेडी लॉगिन था, मतलब ये ऑलरेडी जो है ना यूजर ये लॉगिन हुआ हुआ था और ये सिस्टम जो है रनिंग कंडीशन के अंदर था। अब या तो हमें जो है ना ग्रुप पॉलिसी के पीरियोडिक अपडेट का हम लोगों को वेट करना पड़ेगा, अमूमी तौर पर 120 मिनट्स होता है कि 120 मिनट के बाद, या बाद एनवायरनमेंट में 90 मिनट के बाद जो है वो पॉलिसी अपडेट होती है और वो अप्लाई होती है, या फिर दूसरी सूरत ये है कि हम लोगों को मशीन को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने 90 मिनट या 120 मिनट मैंने वेट भी नहीं करना और मैंने कंप्यूटर को रिस्टार्ट भी नहीं करना और मैंने इस पॉलिसी को अप्लाई करना है। अब चूंकि मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज है इस मशीन के ऊपर, तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मैंने उसको रन किया। फिर भी आप लोगों को टेस्टिंग के लिए दिखा रहा हो गया ग्रुप पॉलिसी को, अगर आप लोगों ने अप्लाई करवाना हो क्लाइंट मशीन पे, अगर वो आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स ना मिल रहे हो तो आप कमांड क्या दोगे। अब हमारे उन कमांड्स का, उन टूल्स का काम शुरू हो गया, जीपी अपडेट, जीपी अपडेट फॉरवर्ड स्लैश फोर्स, तो आप ये कमांड दोगे कमांड प्रॉम्प्ट से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस के साथ खोल के जीपी अपडेट स्लैश फोर्स। अगर तो आपके पास एडमिन राइट्स हैं इस मशीन के ऊपर तो आप जीपी अपडेट स्लैश फोर्स कर दो, या फिर ये कि इसको लॉग आउट करके लॉग इन कर लो, या फिर ये कि इस मशीन को आप रिस्टार्ट कर लो।
आप रीस्टार्ट करोगे, लॉग ऑफ करके लॉग इन करोगे या जीपी अपडेट करके। अभी देखें ग्रुप पॉलिसी अपडेट हैज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अच्छा यहाँ पे मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ, वो देखें वो आपके ड्राइव गायब होगी, आप लोगों की ए ड्राइव भी गायब होगी, बी ड्राइव भी गायब होगी, सी भी गायब होगी और डी भी गायब होगी। ठीक है, वो चारों के चारों ड्राइव जो है ना आप लोगों की डिसअपीयर होगी। अच्छा अब थोड़ा सा ना हम लोग एक स्नैरियो को डिस्कस करते हैं, स्नैरियो को लेके चलते हैं। अब हमारा सपोज एनवायरनमेंट है किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का। अब वहां पे हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने जो है ना क्लाइंट मशीनों को जो है ना वो मैनेज करना है हम लोगों ने। अब स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि स्टूडेंट जो है वो कंप्यूटर में किस किस किस्म की छेड़खानी कर सकता है। अच्छा एक तो मसला था हमारा कि जिस सी ड्राइव के ऊपर और डी ड्राइव के ऊपर कोई बंदा कुछ सेफ ना करे, तो वो हम लोगों ने चले ग्रुप पॉलिसी के जरिए से हाइड कर लिया। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट जो है ना स्टार्ट के अंदर आते हैं, रन के अंदर आते हैं और आगे ना यहाँ पे उन्हें पता है कि जी किसी बच्चे को कुछ कमांड्स आती हैं, वो जो है ना कंप्यूटर मैनेजमेंट बार बार खोल के जो है ना वो नए यूजर क्रिएट करने की कोशिश करता है या सर्विसेज को स्टार्ट करने की या स्टॉप करने की कोशिश करता है। एक बच्चे को पता है कि जी मैं कॉम्प में सी ओ एम पी एम जी एम टी मैं लिखूंगा तो कंप्यूटर मैनेजमेंट खुल के आ जाएगा, वो स्टार्ट के अंदर रन के अंदर या फिर वो जो है ना डिफरेंट टाइप के जो है ना पावर शेल को या कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए से कमांड्स को एग्जीक्यूट करता। देखें मैंने विंडोज आर किया तो ये यहाँ पे जो है ना अभी रन वाला मेन्यू आ जाएगा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये रन वाला मेन्यू पे काम करना छोड़ दे, रन आई ना, और ये जो सर्च जो है ना इस सर्च को भी मैंने डिसेबल करना, क्योंकि सर्च के जरिए से जो है ना वो डिफरेंट टाइप के जो है स्नैपिंग्स को लोड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स को लोड करते हैं, और रन के जरिए से वो कमांड प्रॉम्प्ट को खोल के या पावर शेल को खोल के जो है ना वो कोई कमांड वगैरह एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैंने रन को भी डिसेबल करना है, मैंने सर्च को भी डिसेबल करना है, सी डी ड्राइव को मैंने ऑलरेडी हाइड कर दिया, और हम लोग देखेंगे कि कहां से कंप्यूटर में छेड़खानी की जा सकती है। जी ये कंट्रोल पैनल एक ऐसी जगह है कि कंट्रोल पैनल के अंदर से आके ये चीजें जो है ना आप लोग उनको कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा अभी यहाँ पे आप लोगों ने सवाल नहीं किया कि जो यूजर होता है ना उम्मीद तौर पर स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट जो है ना रिस्ट्रिक्टेड यूजर होता है, उसके पास जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस नहीं होते, तो इस वजह से वो कोई बाइट चेंजिंग तो कर ही नहीं सकता। लेकिन बास केसेस के अंदर बास स्टूडेंट्स को जो है ना एडमिन राइट्स दे भी देते हैं फैकल्टी, किस वजह से कि वो हो सकता है कि प्रॉक्टर हो या वो प्रीफेक्ट हो या फिर हो सकता है कि वो अपना कोई टीम लीड हो या फिर वो है कि उनको किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उन्होंने डिफरेंट टाइप के टूल्स वगैरह आपने इंस्टॉल करने होते हैं, डेवलपमेंट के टूल या कोई लैंग्वेजेस वगैरह, तो उसके लिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स उनको दिए हुए हैं। अब जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होंगे तो वो तो कंट्रोल पैनल के अंदर जाके छेड़खानी कर सकता है, किसी एक यूजर का अकाउंट जो है लोकल अकाउंट डिसेबल कर दे या पासवर्ड चेंज कर दे किसी का या किसी सर्विस को स्टॉप कर दे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जितने भी लूप होल उनको बंद कर दिया जाए कि स्टूडेंट जो है ना कंट्रोल पैनल के अंदर भी ना आए। अब हमने तीन काम कर दिए, एक हम लोगों ने कंट्रोल पैनल को डिसेबल करना है, एक हम लोगों ने रन को डिसेबल करना है और एक हम लोगों ने सर्च को डिसेबल करना है। तो ग्रुप पॉलिसी के जरिए चल के देखते हैं कि ये काम हम लोग कैसे कर सकते हैं। मैं ग्रुप पॉलिसी के अंदर आया हूँ, ग्रुप पॉलिसी को मैंने दोबारा अपने जो ग्रुप पॉलिसी उसको मैंने एडिट किया, एडिट करने के बाद जो है मैं अगेन पॉलिसीज के अंदर आया, पॉलिसीज के अंदर आने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर आया, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर सबसे पहले ऊपर कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल के अंदर आके मैंने यहाँ पे कहा कि प्रोहिबिट एक्सेस टू द कंट्रोल पैनल, इस पर डबल क्लिक किया, इसको मैंने अनेबल किया, अनेबल करके मैंने इसको अप्लाई किया, ओके किया। ठीक है अच्छा ये कहाँ पे किया यूजर कौन, अभी तक मैं जो आपका ग्रुप पॉलिसीज बता रहा हूँ ना सारी की सारी यूजर से रिलेटेड है कि यूजर के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आके आप लोग पॉलिसीज में आए, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स के अंदर आए, कंट्रोल पैनल के अंदर आए, प्रोहिबिट एक्सेस टू द कंट्रोल पैनल। अच्छा अगर आपने किसी स्पेसिफिक आइटम्स को डिसेबल करना है, किसी स्पेसिफिक चीज को आप लोगों ने पर्सनलाइज करना है, मिसाल के तौर पर आपने सिर्फ वॉलपेपर चेंजिंग को बंद करना है कि बच्चे क्या करते हैं शरारत करते हैं वॉलपेपर चेंज करते हैं, आप ये चाह रहे हो कि कंट्रोल पैनल डिसेबल नहीं करना बल्कि सिर्फ वॉलपेपर जो है ना वो चेंज ना कर सके, तो फिर आप ये ग्रेनुलर आगे जो है ना ये देखें हाइड सेटिंग टैब या डिस्प्ले कंट्रोल पैनल टैब, क्या आप डिस्प्ले को सिर्फ आप हाइड कर दो या आप लोगों ने एड रिमूव प्रोग्राम से रिलेटेड किस चीज को आपने वो करना है या पर्सनलाइज से रिलेटेड जो आपके जो है प्रीवेंट चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड चेंज ना कोई कर सके उसको मैंने अनेबल कर दिया, तो अब कोई बच्चा जो है वो बैकग्राउंड चेंज नहीं कर सकेगा। ठीक है मैंने तो खैर उसको अभी अप्लाई नहीं किया, अगर मैं उसको अनेबल करके अप्लाई करता हूँ ओके करता हूँ तो अब कोई भी जो है ना राइट क्लिक करेगा तो वो वहाँ पे जो है वो उसके बाद बैकग्राउंड चेंज करने के ऑप्शन पे जाएगा तो बैकग्राउंड उसका चेंज नहीं होगा। तो आपने मिसाल के तौर पर आइकन्स को कंट्रोल करना है कि प्रीवेंट यूजर फॉर्म चेंजिंग द डेस्कटॉप आइकन, डेस्कटॉप के कोई आइकन्स ना चेंज कर सके, तो यहाँ से आप ये जो है ना कंट्रोल पैनल के अंदर आके फर्दर सब आइटम्स को भी आप ग्रैनुलर लेवल के ऊपर जाके आप जो है ना उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो।
ठीक है। फिलहाल मैंने क्या किया, प्रोहिबिट एक्सेस टू द कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल एंड पीसी सेटिंग्स, पीसी सेटिंग्स को छेड़ना सर। अच्छा और क्या करना है यहाँ पे, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे रन को और मैंने सर्च को भी मैंने डिसेबल करना, इसको मैंने अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर मैंने उसको अरेंज किया। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगी रिमूव रन मेन्यू फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू, इसको पर डबल क्लिक किया, इस पॉलिसी को अनेबल किया, मतलब पॉलिसी को अनेबल करूंगा तो इसकी फंक्शनैलिटी डिसेबल हो जाएगी। मैंने रिस्ट्रिक्शन मतलब मैं अनेबल कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल है कि जिस चीज को अनेबल करोगे वो काम करना छोड़ देगी, जिस चीज को डिसेबल करोगे वो काम करना शुरू कर देगी। एक रिमूव रन मेन्यू फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू, एक मैंने रन को मैंने वो कर दिया स्टार्ट मेन्यू में से, रिमूव रिमूव सर्च कंप्यूटर लिंक, सर्च कंप्यूटर लिंक को भी मैंने डिसेबल कर दिया या अप्लाई किया, रिमूव सर्च लिंक फ्रॉम द स्टार्ट, सर्च को भी मैंने यहाँ से जो सर्च का लिंक है स्टार्ट के अंदर उसको मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, और प्रीवेंट के अंदर आगे आगे देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जी प्रीवेंट के अंदर। चेंजिंग टास्क बार सेटिंग, प्रीवेंट चेंज टू द टास्क बार इन द स्टार्ट मेन्यू। अच्छा ये भी कैसी चीज है, टास्क बार से भी जो है ना वो छेड़खानी की जा सकती है, मैं इसको भी इनेबल कर देता हूँ कि कोई बच्चा जो है ना टास्क बार के अंदर जाके जो है वो छेड़खानी ना करे, टास्क बार उसके पास खुले ही ना। अच्छा और इसके अलावा आई थिंक इतना काफी है, अब इसके हम लोग जो है ना रिजल्ट वो देख लेते हैं। ये कहाँ से किए, कुछ चीजें आगे स्टार्ट मेन्यू एंड टास्क बार में से की, एक चीज मैंने कंट्रोल पैनल से की, और इससे पहले जो हम लोगों ने काम किया था वो विंडोज कंपोनेंट्स के अंदर आए थे। विंडोज कंपोनेंट्स के अंदर आ गए हम लोग फाइल एक्सप्लोरर के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं क्लाइंट कंप्यूटर पे आया, क्लाइंट कंप्यूटर आगे अब ये देखें कंट्रोल पैनल खुला हुआ है और विंडोज आर कर रहा हूँ तो रन भी चल रहा है। ये आपको मैं दिखा दूँ, ये अभी विंडोज 10 की मशीन पे है, हम लोग अभी ये भी काम कर रहे हैं और टास्क बार पे राइट क्लिक किया, टास्क मैनेजर भी चल रहा है। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ सारी चीजें डिसेबल हुई या नहीं हुई, तो अगेन मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे आऊंगा, या तो मैं कंप्यूटर को रिस्टार्ट करूंगा या लॉग ऑफ करके लॉग इन करूंगा, या फिर मैं कमांड क्या दूंगा gp update slash force मैंने किया, थोड़ा टाइम लेगा ये पॉलिसी अप्लाई होगी। ये देखें ये पॉलिसी आप लोगों की अप्लाई होगी भी है। अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं कंट्रोल पैनल को देखता हूँ, कंट्रोल पैनल ये हमारे यहाँ पे डेस्कटॉप, देखें कंट्रोल पैनल गायब हो गया ना, यहाँ पे कंट्रोल पैनल का आइकन आ रहा था, कंट्रोल पैनल का आइकन नहीं आ रहा ना। अच्छा मैं इस तरह करता हूँ कि रन से उसको खोलने की कोशिश करता हूँ, विंडोज आर किया, जो ही मैंने विंडोज आर किया वो क्या कह रहा है, रिस्ट्रिक्शन दिस ऑपरेशन हैज बीन कैंसल्ड ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन इन इफेक्ट ऑन दिस कंप्यूटर, प्लीज कॉन्टेक्ट यूर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। क्या आपने देखना चाह रहा हूँ कि इस कंप्यूटर पर कौन कौन सी पॉलिसी लगी हुई है। अभी तो मैंने पहले आपको कमांड बताई थी gp update slash force, अभी दूसरी कमांड जो है उसका काम हम लोगों का शुरू हो गया, वो है gp result स्पेस फॉरवर्ड स्लैश आर, gp result slash r, ठीक है। आप जब ये gp result slash r आप लोग करोगे तो वो आप लोगों को बता देगा कि आप लोगों की कौन सी पॉलिसी जो है ना आप लोगों की अप्लाई हुई है और कौन सी पॉलिसी आप लोगों की अप्लाई नहीं हुई। gp result slash r किया, उसने सबसे पहले कंप्यूटर का नाम बताया कि आप लोगों का वर्क स्टेशन है उसके ऊपर विंडोज आप लोगों के 10 आप लोगों की इंस्टॉल हुई भी है, अभी जो लोकल यूजर जो लॉग इन हुआ असद अब्बास इसके ऊपर लॉग इन हुआ होगा, और देन कंप्यूटर की सेटिंग्स के ये कंप्यूटर जो है ना इसका ये जो है डोमेन कंट्रोलर है, ग्रुप पॉलिसी आ कहाँ पे, ग्रुप पॉलिसी वाज अप्लाइड फ्रॉम ये विंडोज 2022 DC01 से ये ग्रुप पॉलिसी आ रही है और डोमेन का नाम है फ्री आईटी ट्रेनिंग्स, ठीक है। और अब इसको ग्रुप पॉलिसी एक्चुअली लगी कौन सी है, तो ये यहाँ पे देखें नीचे अप्लाइड ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, ये बता रहा है कि टेस्ट MCSC लैब ये ग्रुप पॉलिसी जो है इसके ऊपर लगी है, ठीक है। कोई फिल्ट्रेशन वगैरह हम लोगों ने, फिलहाल हम लोगों ने किसी किस्म की कोई फिल्ट्रेशन नहीं लगाई, कोई हम लोगों ने पॉलिसी इनहेरिटेंस को ब्लॉक नहीं किया, किसी चीज को हम लोगों ने इन्फोर्स नहीं किया। तो ये देखें ये जो ना अप्लाइड ग्रुप पॉलिसी, यहाँ से आगे आप देख सकते हो कि कौन कौन सी पॉलिसी इस मशीन के ऊपर अप्लाई हुई है। तो फिलहाल जो हमारी टेस्ट MCSC लैब है वो हमारी अप्लाई हुई है, इसके जरिए से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सी ड्राइव के अंदर हम लोगों ने इस कंप्यूटर की जो है ABCD ड्राइव को हम लोगों ने हाइड किया, हम लोगों ने रन को जो है वो डिसेबल किया, हम लोगों ने डेस्कटॉप चेंजिंग वॉलपेपर को हम लोगों ने डिसेबल किया, और इसके अलावा कंट्रोल पैनल को हम लोगों ने डिसेबल किया। तो ये जनाब इस तरीके से जो है ये ग्रुप पॉलिसी आप लोगों की काम करती है, ठीक है।
अच्छा, दोबारा हम लोग सर्वर पे आते हैं। सर्वर पे आगे कुछ और थोड़ी सी जरूरी चीजें हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को पता लग गया ग्रुप पॉलिसी कैसे लगाते हैं। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल के अंदर आते हैं। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल के अंदर आके जीपीओ के ऊपर आप आए, राइट क्लिक किया, न्यू, और ग्रुप पॉलिसी का आप लोगों ने नाम दिया, ठीक है ये। और अब ये यहाँ पे पूछ रहे सोर्स स्टार्टर। ये सोर्स स्टार्टर क्या चीज है? बेसिकली स्टार्टर पॉलिसी का मतलब ये है कि आप लोग किसी पॉलिसी को एज ए बेस लाइन आप यूज करना चाह रहे हो, एज ए फाउंडेशन यूज करना चाह रहे हो, कि आप जो है ना एक सर्टन जो है ना, आप ये कह लेंगे जी, आप एक चीज डिफाइन करना चाह रहे हो कि जी ये तो कम अज कम है, कि कम अज कम जो है ना मिनिमम ये सेटिंग्स तो हर एक के ऊपर ही होगी। यानी किसी पॉलिसी को आप लोगों ने एज ए टेम्पलेट यूज करना हो, या आप ये चाह रहे हो कि जब भी ग्रुप पॉलिसी लगाए तो उसमें ये चीजें लाजमी आए, तो उसके लिए अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्रिएट अ स्टार्टर जीपीओ, हम लोग जो है ना स्टार्टर जीपीओ यहाँ पे जो आके वो डिफाइन करते हैं। तो खैर ये आई थिंक मुझे लग रहा है कि हम लोगों को एक दिन और लगाना पड़ेगा, ग्रुप पॉलिसी के एडवांस सेटिंग्स जो है ना हम लोगों को डिस्कस उसके अंदर करूंगा, ये ना हो गया आप लोग कंफ्यूज हो जाए। तो आज अभी तक जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल के अंदर जाके ग्रुप पॉलिसी कैसे हम लोग बनाते हैं और कैसे हम लोग उसको लगाते हैं, और फिर मैंने आपको दो टूल्स के बारे में बताया। एक दो और आसान आसान चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने किसी एनवायरमेंट के अंदर काम किया और उस पॉलिसी का अब आप लोग बैकअप लेके रखना चाह रहे हो कि जी जो मैंने पॉलिसी बनाई है ना, ये मैंने बड़ी मेहनत करके बनाई है, तो कहीं ये ना हो कि कोई बंदा इसको डिलीट कर दे, मुझे दोबारा से सारी मेहनत करने पड़े। तो आप लोगों ने किसी पॉलिसी का अपने बैकअप लेना हो तो आप पॉलिसी का बैकअप कैसे लेते हो? राइट क्लिक करोगे, बैकअप पे क्लिक करोगे, ठीक है। आप यहाँ से जो है ना कोई एक फोल्डर आप डिफाइन करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से ब्राउज पे क्लिक किया और मैंने इस कंप्यूटर के डी ड्राइव के ऊपर मैंने एक नया फोल्डर बनाया पॉलिसी बैकअप के नाम से, या जीपीओ बैकअप के नाम से। जीपीओ बैकअप का मैंने फोल्डर ये सिलेक्ट किया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन तो मैंने आज की तारीख लिख देता हूँ कि जी 10/2/2022 को हम लोग जो है ना इसका बैकअप ले रहे हैं। अगेन के आप लोग जो है ना एक मीनिंगफुल किस्म की डिस्क्रिप्शन लिखो ताकि आपको खुद पता हो, ठीक है। ये मैंने क्या किया, ग्रुप पॉलिसी का मैंने बैकअप ले लिया, ठीक है। अच्छा, किसी मौके पे किसी बंदे ने इसको ग्रुप पॉलिसी को डिलीट कर दिया, देखिए आपके बाद कोई दूसरा बंदा शिफ्ट के अंदर, कोई दूसरा बंदा आया, उसने आके ग्रुप पॉलिसी को डिलीट कर दिया। जब वो पॉलिसी डिलीट होगी तो सारी के सारे सेटिंग्स जो है वो डिस्कार्ड हो जाएंगे। आप उस पॉलिसी को दोबारा से रिकॉल करना चाह रहे हो, आप उसको लेके आना चाह रहे। अच्छा, हम लोगों ने पॉलिसी को नाम क्या दिया था जो पहले हम लोगों ने बनाए थे? टेस्ट MCSE लैब। मिसाल के तौर पर मैंने ये पॉलिसी को बना ली हुई है। अब इस पॉलिसी के इंफॉर्मेशन को मैं रिस्टोर करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है इंपोर्ट सेटिंग्स और एक है रिस्टोर फ्रॉम बैकअप। मैं सपोज इंपोर्ट सेटिंग्स पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, बैकअप पे क्लिक किया। ये बैकअप के अंदर जो है ना मेरे एक पॉलिसी पड़ी हुई है, मैं चाह रहा हूँ कि वहां से इन सेटिंग्स को जो है ना इम्पोर्ट करो। ओके किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया, ठीक है। ये सक्सेडेड होगी हुई है। अब ये पॉलिसी को मैं आप लोगों को एडिट करके दिखा देता हूँ कि क्या इस पॉलिसी के अंदर वो सारी की सारी सेटिंग्स वापस आई या नहीं आई जो हम लोगों ने अप्लाई की थी, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या किया था, पॉलिसीज के अंदर आए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर आए थे, कंट्रोल पैनल के अंदर आके देखें, प्रॉफिट एक्सेस टूल था कंट्रोल पैनल। मैंने सिंपल एक नई पॉलिसी बनाई है लेकिन उसमें मैंने कॉन्फ़िगरेशन कोई भी नहीं की। अब कॉन्फ़िगरेशन मैंने कहाँ से इम्पोर्ट किया, कॉन्फ़िगरेशन मैंने बेसिकली बैकअप से इम्पोर्ट की, ठीक है। अच्छा, एक और चीज के पॉलिसी की आप लोगों ने सेटिंग्स देखनी हो कि कौन कौन सी सेटिंग्स एक्चुअली इस पॉलिसी की अप्लाई हुई हुई है, तो वो सेटिंग्स देखने के लिए बजाय इसके कि आप राइट क्लिक करके एडिट करो। अब जाहिर है आपको तो नहीं पता, अगर मिसाल के तौर पे चार एडमिनिस्ट्रेटर है, एक डे टाइम का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसने पॉलिसी लगाई है, अब इवनिंग वाला आगे देखना चाह रहा है इसमें उसने किया क्या गया, तो वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से सेटिंग्स पे क्लिक करेगा। सेटिंग्स पे आप क्लिक करोगे, एड पे क्लिक करेंगे, क्लोज, और यहाँ से आप शो ऑल पे क्लिक करोगे। जब आपने शो ऑल पे क्लिक किया तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि इस पॉलिसी के अंदर जो है वो क्या क्या चीज कॉन्फिगर की हुई है। कंट्रोल पैनल आइटम के अंदर प्रोहिबिट एक्सेस टू द कंट्रोल पैनल एक ये किया हुआ है। पर्सनलाइज के अंदर आगे डेस्कटॉप आइकन्स और बैकग्राउंड को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। टास्क मेन्यू के अंदर आगे जो स्टार्टअप और रिमूव सर्च और रिमूव रन ये चीजें की हुई है, और हाइड दी स्पेसिफिक ड्राइव इन माय कंप्यूटर, ठीक है। अब ये बनाई किसने थी, लगाई किसने थी, इसकी डिटेल वगैरह ये बता रहा है कि जी क्रिएटेड इस तारीख को क्रिएट हुई थी और ये किसने क्रिएट की थी और जो इसका ऑनर है वो कौन है, ठीक है। फिर इसके अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स हुई हुई हैं,
क्या को पॉलिसी इनहेरिटेंस वगैरह है नहीं है, ये वो सारी डिटेल यहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी? अच्छा, फिर ये जो पॉलिसी है, मिसाल के तौर पे आप लोगों ने एक पॉलिसी आपने बनाई, उस पॉलिसी के अंदर से अभी तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यूजर सेटिंग्स को टच किया ना। मिसाल के तौर पे एक पॉलिसी के अंदर हम लोगों ने कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन को भी टच किया और यूजर कॉन्फ़िगरेशन को भी टच किया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि उस पॉलिसी को मैंने डिसेबल करना फॉर द टाइम बीइंग, तो राइट क्लिक किया, जीपीओ स्टेटस के अंदर आए ऑल सेटिंग्स डिसेबल, इस पॉलिसी के सारे सेटिंग्स जो है ना वो डिसेबल कर दूं। अगर मैंने इसको आगे अनेबल किया, यूजर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स डिसेबल, कि यूजर की कॉन्फ़िगरेशन के सेटिंग्स जो है वो डिसेबल करो, और बाकी जो है ना पॉलिसी को स्कोर मैंने अनेबल रहने दिया, और मैंने सिर्फ और सिर्फ किसी एक चीज को स्पेसिफिकली मैंने डिसेबल कर दिया, कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन को डिसेबल करना है या यूजर की कॉन्फ़िगरेशन को या सारे को सारे को डिसेबल करना है। मैंने कहा कि यार इस ना करो, इस पॉलिसी के अंदर जो यूजर से रिलेटेड चीजें है ना कॉन्फ़िगरेशन उसको तो एज इट इज रहने दो, लेकिन जो कंप्यूटर से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है उसको डिसेबल कर दो। तो यहाँ से हम लोग वो काम भी कर सकते हैं। आई होप के आज आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो है वो नई सीखने को मिली होंगी। आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, ग्रुप पॉलिसी का एक ओवरव्यू हम लोगों ने डिस्कस किया कि ग्रुप पॉलिसी क्या होती है, ग्रुप पॉलिसी का जो है वो क्या फायदा है, और ग्रुप पॉलिसी के जरिए से हम लोग किस तरीके से जो चीजों का कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट टूल के बारे में बताया, उसको एडिट करके देखा हम लोगों ने, दो कमांड लाइन यूटिलिटीज को मैंने बताया, जीपी अपडेट क्या होती है, जीपी रिजल्ट क्या होता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग जो है ना फिर इससे आगे जो है आई थिंक हम लोगों का एक जो है ना और वो, और ये मैंने आप लोगों का बैकअप और रिस्टोर ये भी करके दिखा दिया, तो आप इंपोर्ट के इंशाल्लाह हम लोग जो है ना नेक्स्ट उसके अंदर ये कर लेंगे, और ये पॉलिसी को लिंक कैसे करते हैं ये भी मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया। हाँ, ये चीज आगे सिर्फ एक आज की आखिरी चीज के ग्रुप पॉलिसी की जो प्रेसिडेंस है या जो इसके इनहेरिटेंस है, जब सबसे जो लोअर लेवल के ऊपर जो पॉलिसी होती है ना होती है आपकी लोकल ग्रुप पॉलिसी, लोकल ग्रुप पॉलिसी को आप लोगों के हमेशा जो साइट लेवल पॉलिसी ना वो ओवरराइड कर देती है। मतलब साइट लेवल पॉलिसी का जो प्रेसिडेंस ऑर्डर है ना वो हायर होता है। ठीक है, अगर कहीं पर साइट लेवल पॉलिसी लगी है तो लोकल पॉलिसी को ओवरराइड कर देगी, लेकिन डोमेन पॉलिसी की जो कह लें कि अथॉरिटी जो है ना वो साइट लेवल पॉलिसी से भी ज्यादा होती है। डोमेन पॉलिसी जो है ना आपके साइट लेवल पॉलिसी को भी ओवरराइड कर देती है, और फिर उसके बाद जो आप लोगों के जो डोमेन पॉलिसी को भी जो चीज ओवरराइड कर सकती है वो ओयू लेवल पॉलिसी की, किसी अगर ओयू के ऊपर कोई पॉलिसी लगी हो। ठीक है, और देन फिर उसके बाद जो है आप लोगों के चाइल्ड ओयू, अभी जो है ना बेसिकली प्रोसेसिंग बताइए कि सबसे पहले जब आप कंप्यूटर पर लॉग इन करते हो ना, लोकल ग्रुप पॉलिसी अप्लाई होती है, लोकल के बाद साइट लेवल पॉलिसी अप्लाई होती है, फिर डोमेन लेवल पॉलिसी अप्लाई होती है, फिर पेरेंट ओयू की पॉलिसी अप्लाई होती है, और फिर ओयू की पॉलिसी जो है ना आप लोगों की अप्लाई होती है। ठीक है, ये इसकी प्रेसिडेंस इस तरीके से कि लोकल को ओवरराइड करेगी साइट, साइट को ओवरराइड करेगी डोमेन, डोमेन को ओवरराइड करेगी ओयू, ओयू को ओवरराइड करेगी आप लोगों का चाइल्ड ओयू। ठीक है, एक और चीज, लिंक ऑर्डर एट्रीब्यूट ऑफ द जीपीओ, लोअर नंबर हायर ऑन द लिस्ट प्रेसिडेंस, कि आप लोगों के अगर एक ओयू के ऊपर मल्टीपल पॉलिसीज लगी हुई है ना, जिस पॉलिसी का नंबर जितना कम होगा उसका प्रेसिडेंस ऑर्डर उतना ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पे पांच पॉलिसीज लगी हैं, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें सबसे ज्यादा जो प्रेसिडेंस जिसकी हाई होगी वो 1 वाली की प्रेसिडेंस सबसे हाई होगी, 2 की प्रेसिडेंस उससे लो होगी, 3 की उससे लो होगी, 4 की उससे लो होगी, और 5 की सबसे लीस्ट होगी। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंस ऑर्डर का आप लोगों को पता होना चाहिए कि लोकल को ओवरराइड करता है साइट, साइट को ओवरराइड करता है डोमेन, और डोमेन को ओवरराइड करता है ओयू, के मतलब ओयू लेवल पॉलिसी सबसे ज्यादा पावरफुल पॉलिसी होती है, और लोअर द नंबर हायर द प्रेसिडेंस। ठीक है जी, आई होप कि आज का जो लेक्चर आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगा, और आप लोगों को अब थोड़े से जो है वो चीजें क्लियर होना शुरू ही होगी कि किस तरीके से हम लोग जो है अपने डोमेन एनवायरमेंट को सर्वर से बैठ के हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और ये क्यों कहा जाता है कि बेसिकली डोमेन इज ए सेंट्रलाइज पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, या सिंगल पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि आपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को किसी एक जगह से बैठ के आपने पूरे के पूरे एनवायरमेंट को कंट्रोल करना है, तो डोमेन एनवायरमेंट बनाते हैं, और डोमेन एनवायरमेंट बनाने के बाद प्राइमरी चीज सबसे पहले था एक्टिव डायरेक्टरी, तो हम लोगों ने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की, उसके बाद हम लोगों ने जो उसके एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, यूजर क्रिएट किए, ग्रुप क्रिएट किए, और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक मशीन को डोमेन ज्वाइन करवाई, और आज हम लोगों ने ग्रुप पॉलिसी लगा के उस क्लाइंट मशीन को हम लोगों ने कंट्रोल करके चीजों को रिस्ट्रिक्ट करके देखा। तो आई होप के एक बेसिक सिनेरियो आप लोगों का बन गया, आप लोगों का एक आइडिया हो गया होगा कि डोमेन एनवायरनमेंट में किसी एक मरकजी जगह से बैठ के जो है वो चीजों को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, कैसे प्रिविलेजेस असाइन किए जा सकते हैं, कैसे चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोगों का जो ग्रुप पॉलिसी का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ग्रुप पॉलिसी के जरिए से हम लोग सॉफ्टवेयर को भी पुश कर सकते हैं,
और फिर ग्रुप पॉलिसी की जो कुछ एडवांस सेटिंग्स जो है इंशाल्लाह हम लोग वो जो है वो डिस्कस करेंगे। स्टार्टर पॉलिसी क्या होता है, ग्रुप पॉलिसी मॉडलिंग क्या होता है, रिजल्टेंट सेट ऑफ पॉलिसी क्या होता है, इसके अलावा ग्रुप पॉलिसी डेलीगेशन क्या होता है और ऑथेंटिकेटेड यूजर्स का क्या रोल होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ग्रुप पॉलिसी के एडवांस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उस वक्त के लिए इजाज़त, अगर आप लोगों से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैं अभी इसको स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को, तो आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ। अस्सलाम वालेकुम।